एक गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यहाँ पे अपनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, बेसिकली चार गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, एक एंडेवर मतलब लेजेंडर वहाँ पे खड़ी है और एक जीप कंपस भी कहीं पे खड़ी है, प्लस सुलेश भाई की गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। देखो टेंट, वो रात में ना टेंट लगा के सोए थे। तो ये देखो, ये अलग नज़ारा है भाई, हम तो अलग ही मज़ा ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा थार ले रही है, ये टेंट में मस्त आराम से सोए थे एकदम, यू नो, पैंगोंग लेक के बगल में। तो अभी सुबह सुबह बज रहे हैं 8:30 और मैं उठा हूँ। मेरी आवाज़ देख के आपको पता चली, देख के मतलब सुन के आपको पता चल ही रहा होगा कि भैया एकदम नींद में उठ के व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया इस लड़के ने। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है ना कि गर्म पानी आ नहीं रहा है, तो पानी बहुत ठंडा है और वॉशरूम जाने में ना बहुत दिक्कत है। बाकी ये सारा था हमारा टेंट, बोला हमारा टेंट था। मनोज भाई अभी भी सो रहे हैं, तो इधर भी भाई लोग सब सो रहे हैं। आज का बहुत बड़ा टेंशन है इस गाड़ी के साथ, बिकॉज़ इस गाड़ी का एवरेज आ रहा है 8:30 का, और जो हमारा प्लान है ना, तो उसके हिसाब से ये गाड़ी मैक्सिमम 350 किलोमीटर ही चलेगी। डीजल हमें पता नहीं कहाँ से मिलेगा, अगर डीजल नहीं मिला तो ये गाड़ी कवर नहीं कर पाएगी। मतलब एवरेज को लेके ना मैं कभी भी इतना टेंस नहीं रहा, बट कल पूरी रात में यही कैलकुलेट करता रहा। तो पूरी रात में ये कैलकुलेट करता रहा कि भाई इस गाड़ी के लिए कहाँ से हमें डीजल मिलेगा। बाकी सारा थार वार का एवरेज ठीक आ रहा है, मतलब ऑटोमेटिक का भी मैनुअल का भी, बट इस गाड़ी का एवरेज ना, एक तो फ्यूल टैंक भी इसका 60 लीटर है, प्लस 8.5 का माइलेज दे रहा है। एंड दिस एंटायर ट्रिप हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय Budmo.com, दे आर द बिगेस्ट स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट। आपको गाड़ी का कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप Budmo पे जाकर डायरेक्टली अपने घर पे मंगा सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऑप्शन मिलते हैं, तो प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, प्लस दे हैव अ 10 डेज ऑफ अ शॉर्ट रिटर्न पॉलिसी। Budmo का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, गो चेक इट आउट। मका हग्गू तो कर लूं भाई। अच्छा, तोते बिठाने हैं, तोते तो बिठा ले भाई। सो जी, अपन आ गए अपनी गाड़ी के पास, दूसरी गाड़ी के। भाई ये देखो भाई, ये तो अलग, हां अलग, सबसे बेस्ट लोकेशन, हां रूफटॉप कैंपिंग की सबसे बेस्ट लोकेशन। सुली भाई देखो जी, अरे आप तो यहां लग्जरी में गाने वाने चला के देख रहे हो, अय्याशी देख रहे हो बच्चों की। क्या बात है, क्या बात है, खोलता हुआ पानी दे दिया। कल मेरा जीप जल गया, आपको पता है क्या हुआ? मुंह इतना बॉइलिंग टेम्परेचर था पानी का, और वो दे दिया पीने के लिए विदाउट एनी ग्लास। मैंने मुंह डाला, मेरा पूरा देखो, कल टूटता हुआ तारा था, वाइट हो गया, ये मांग भी रहे थे पूरा, और काफी दिनों से बोले थे मुंह में छान दे। मैं कहा पत्ती कमी रहेगी, पत्ती और खा लो भाई। तो यहाँ पे बन रही है अपनी ग्रीन टी एंड कॉफी, मस्त वाली। ब्रू हो रही है आपकी? हाँ, कॉफी ब्रू हो रही है। धर्मेंद्र भाई की ग्रीन टी, ये लो। थैंक यू विकास भाई, थैंक यू। 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 दिए थे, अभी कहाँ गए वो? कब दिए? कितनी बार लोगे भाई? यार आप मेरे साइड हो, इनके साइड हो। और भाई कॉफी ऑफी तो पी रहे हैं, साथ में अपन लेके आए देव दर्शन का जौहरी गोल्ड लाजवाब इंसेंस स्टिक्स। तो ये अगरबत्ती है ना, एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है इसका। अब यहाँ पे नज़ारे देखो, क्या लाजवाब नज़ारे। तो इन लाजवाब नज़ारों को लाजवाब फ्रेग्रेंस में तब्दील कर देते हैं। और जी ये है 3-in-1, तो इसमें 3 different fragrances हैं। तो अभी क्या करेंगे, तो अभी अपन इसको लेके आए थे कि इसको अपन जहाँ भी कैंपिंग करेंगे वहाँ पे जलाएंगे, ताकि ना अपना जो एम्बियंस है ना थोड़ा सा सुगंधित हो जाए। तो अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं। देखो इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, हाँ बहुत ही सही है। सुबह सुबह ना अगर घर पे भी रहो ना, तो सुबह 2 अगरबत्ती जला दो, बस आपका पूरा घर अच्छा फ्रेग्रेंस होगा। तो देव दर्शन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, पूजा की सामग्री के लिए आप देव दर्शन इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी बहुत ही मनमोहक खुशबू है, प्लस इनके प्रोडक्ट टॉप नॉच है। यहाँ पे ऐसा माहौल है ना के सामने से टेंट से नीचे आने के लिए भी ना गाड़ी लानी पड़ती है, अदरवाइज बंदा आ तो जाए, चढ़ के वापस कैसे जाएगा। पास्ता मिलेगा जी, पास्ता खिला दो। अब तो मैं ऊपर जा नहीं रहा, तो कपड़े ब्रश व्रश जो भी करना होगा ना यहीं पे करूंगा। तो अभी कपड़े निकाल लेते हैं, टी शर्ट चेंज करेंगे, बाकी तो ऐसा कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो टी शर्ट चेंज करेंगे। ओ भाई सीरियसली, 2-3 bag निकाल के रखा ना, एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा, ऑक्सीजन इतना कम, हाँफने लगते हैं यार, भयंकर तरीके से हाँफने लगते हैं। तो अभी यहाँ पे काम करते हैं, एयर फिल्टर भी मैंने ला के रखा हुआ था, देखो एयर फिल्टर भी चेंज नहीं करा। इस जैकेट की तो बैंड बज गई है भाई, बैंड बज गई है, ये जैकेट भी नहीं पहन सकते, बस इससे ज्यादा नहीं होगा भाई। खाना तो, ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब पैक करेंगे ना। हाँ मत करना, घोड़े घूम रहे हैं यहाँ पे, घोड़े घूम रहे हैं, क्या करेंगे घोड़े? 2 नंबर मत करना बस। इस सुबह से मेरी तीसरी चाय है, सबसे पहले मैंने ब्लैक कॉफी पी, फिर एक दूध वाली चाय पी, अब ग्रीन टी। ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, चीयर्स चीयर्स।
पूरा पैक है, पीछे देखो सीट कितनी जबरदस्त भरी पड़ी है। पे 1 मिलियन फोटोग्राफ खींचने के बाद और 200 मिलियन रील बनाने के बाद हम यहाँ से निकलने का प्लान कर रहे हैं। बाकी देखो पैंगोंग का कलर कितना चेंज हो गया, सुबह जब आपने वीडियो देखा होगा तो एकदम अलग कलर था ये ना। दिन में जैसे जैसे स्काई मतलब आसमान का कलर चेंज होता है ना, पानी का कलर चेंज हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, जिस रंग में डाले उसी रंग में ढल जाती है। फिलहाल टाइम कितना हो रहा है, 10:30। देखो ये फिर से सुन रही है, ये शीरी तो ना यहाँ पे भी ना तंग करती रहती है। बाकी नज़ारे तो गजब है गाइस, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। सुबह तो मैंने यहाँ पे ना जो कैंप हमारा था ना 6,000 रुपये का, वहाँ मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट अपने इसी यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अपना जो रूफटॉप सेटअप है ना वो बहुत अमेजिंग है। प्लस अपने को भी ना रात में ऐसी अगर एक गाड़ी में सेटअप रहता था तो यहीं पे सोते आसमान के नीचे पैंगोंग के पास। सो जी टेंट अपना पूरा पैक है, छाछ पी रहे हैं यहाँ पे तो खूब, जितना लिक्विड पियो उतना कम है। बाकी अपनी गाड़ी का डिक्की भी ऑलरेडी पैक्ड हो ही चुका है, पीछे वाली सीट पे तो बैठ सकते नहीं है। पैक है ना डिक्की, पूरा पैक है ना, तो बस थोड़ा बहुत जगह बचा है, एक बैग और आना होगा तो आ जाएगा। डिक्की क्लोज, हाँ नहीं नहीं एक बैग है ऑलरेडी। तो इसका ना पीछे वाला सीट हटवाने का सबसे बड़ा फायदा यही है, 7 सीटर से 5 सीटर बना दो। अब यहाँ से निकलते हैं, सारी गाड़ियाँ निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं हालने की तरफ। तो अभी मिराक मान मिराक वाला जो रास्ता है ना वो लेंगे। तो बेसिकली इस पैंगोंग लेक के बगल से ही चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, बहुत दूर चलते रहेंगे। फिर अगर हमें डीजल नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे चलते चलते, क्या बोलते हो? सही बात है, सारी गेम डीजल की है, सारी गेम डीजल की है भाई, सारी गेम डीजल की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिला कि भाई इस गाड़ी से अगर लद्दाख मेरे को करना है, और करना है कि 500 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं रहे, तो मेरे को एक्स्ट्रा जेरी कैन रखना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है भाई कि 500 किलोमीटर तक इस रेंज में। मतलब बेसिकली अभी देखो जैसे हल्का सा रेस देंगे ना तो पीछे टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल व्हील ड्राइव टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो सामने दिखा रहा है ना वो पीछे वाले टायर्स को पावर दे रही है। जब हम पदुम से आ रहे थे तो पदुम से आते वक्त, ले आते वक्त अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर हम चले, और 250 किलोमीटर के बाद जब हमने रिफिल कराया ना तो ऑलमोस्ट 40 लीटर तेल आया, 40 लीटर्स। तो अपना जो एवरेज आया ना 6.5 किलोमीटर पर लीटर का है। अब इस एवरेज से 60 लीटर का टैंक भैया कहाँ ही पहुँच पाएंगे? तो जो अपना प्लान था ना कि हानले सोमरेरी और वहाँ से फिर पांग की तरफ निकलने का, वो थोड़ा सा अभी डाइसी लग रहा है। डाइसी इसलिए लग रहा है क्योंकि भैया गाड़ी में डीजल कैसे करेंगे। मैंने टावर दिखाया था, देखो यहाँ पे भी ना टावर लग गया है, तो कुछ दिन बाद ना इसमें एयरटेल या जियो का, मोस्ट प्रोबेबली जियो का ही कनेक्शन आएगा। तो फिर जब आप पैंगोंग आओगे ना तो आपको जियो का मस्त कनेक्शन मिलेगा। अभी पैंगोंग का क्या है ना कि यहाँ पे ना लेक के साइड जितने भी विलेजेस है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो रात में ना जो भी कैंप वैम्प रहता है ना वो जनरेटर से चलता है। तो सबसे पहले प्लान ये है कि यहाँ से मान और फिर उसके बाद मिराक विलेज में जाके चेक करेंगे डीजल क्या होता है, ड्रिजल। एक्चुअली कल मेरा जीप जल गया यार, इतना बेवकूफ आदमी केटल में पानी भर के दिया रात में पीने के लिए, और वो पूरा बॉइलिंग वाटर था यार। बॉइलिंग वाटर कैसे कोई पी सकता है, और ग्लास भी नहीं थे। सासुमा होमस्टे। अच्छा आप आल्ट वाले जी पे ससुर जी और वो क्या पता नहीं कौन सा सीरियल देखते हैं ना ये। अच्छा आप देख रहे थे, बोलते रहे थे कि मुझे भी दिखाओ। अच्छा हाँ, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा चलो देखते, फिर मैंने थोड़ी देर के बाद तो बंद कर दिया था। ससुर जी को तो क्या बंद कर दिया, बहू को देख के तो खुश हो रहे थे। तो ये पैंगोंग है अपने साथ, और अपने साथ ही चलेगी काफी देर तक। ये देखो इसमें आपको पता चलेगा कि किस रास्ते पे हम चल रहे हैं, और ये बहुत आगे तक ऐसे ही रास्ता है। चलो फिलहाल तो भाई को फॉलो कर रहे हैं, सारी गाड़ियां एक लाइन में चल रही। अद्भुत प्रकृति का नजारा है भाई ये, अद्भुत, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। मतलब जितनी भी तारीफ कर लो ना, कैमरा ना उतनी चीजें आपको नहीं दिखा पाता जो आप एक्चुअली देख पाते हो अपने नेकेड आई से। बहुत ही जबरदस्त यार, इस साइड देखो माउंटेन्स कितने अच्छे लग रहे हैं, और इस साइड के माउंटेन्स और साथ में चलता हुआ, मतलब हम चलते हुए पैंगोंग लेक के साइड में। तो ये सामने है मान विलेज, पैंगोंग से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा अंदर आके आपको मान विलेज मिल जाता है, और ये रास्ता सीधे आगे जाता है मिराक विलेज को। तो अब मैं ना मैनुअल पे भी ड्राइव कर रहा हूँ ताकि ना बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे जाके गाड़ी गियर चेंज करिए, तो डीजल बचाने के लिए थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैनुअल पे चला के अपने हिसाब से आरपीएम एडजस्ट कर रहे हैं, अपने हिसाब से आरपीएम को मैनेज कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं हो। बाकी यहाँ पे भी हमने पूछा था डीजल के लिए, तो डीजल यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। अगर डीजल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वापस ही आएंगे भाई, फिर वापस ही आएंगे ना। पूरे रास्ते में ना जो पानी का डिफरेंट कलर है, अरे वाह, ये देखो कैमरा ऑन करते के साथ ही ऑफ रोडिंग, एकदम से ऑफ रोडिंग शुरू हो गया था ना, मजेदार
एकदम मजेदार। अरे बहुत सही गुरु, सामने से एक ट्रक भी आता भाई, एक बड़ा पत्थर, और यहाँ पे जो पानी का कलर है ना भाई, बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग। कहीं ब्लू दिख रहा है, कहीं ग्रीन दिख रहा है। अभी कैमरे में तो आपको सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, बाकी इधर अपनी सारी गाड़ियां लाइन से लग गई हैं। ये देखो सारी आ गई, एक बार निकाल के दिखाता हूँ। ये भाई मस्त वाला ऑफ रोडिंग टाइप का आ गया, और ये आ गए हम मिराक विलेज भी आ गया शायद। ये सामने जो विलेज आपको दिख रहा है, ये शायद मिराक विलेज है। काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स, तो उस पर ध्यान से निकालने के नीचे चेंबर सटे नहीं। अब सट भी गया तो क्या ही कर सकते हैं, रास्ता तो यही है, इसी से जाना है। तो ग्राउंड देख देख के जाना है। हाँ बस थोड़ा देख देख के जाना है बस। अज्जू भाई से पीछे रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा शीशा खुला है ना, तो पूरी धूल अंदर भर जाएगी, और हमारे पीछे भी काफ़ी गाड़ियाँ, हमसे काफ़ी पीछे, वो भी यही कर रहे हैं कि भैया धूल भर जाएगी। खुद जिम्मेदार है। अभी फिलहाल हम हैं मिराक विलेज में, छोटा सा विलेज है जो आपको सामने दिख रहा होगा, छोटे छोटे घर हैं। तो यहाँ पे हमने डीजल के लिए पूछा, तो यहाँ पे डीजल अवेलेबल नहीं है, तो लोगों ने बताया कि आप चुसुल जाओ। वैसे सामने गाड़ियाँ मुझे दिख रही हैं, देखो सामने बाजार है, वो उसने बोला था ना वहीं मिलेगा दुकान के पास। हाँ तो गाड़ियों के पास चलते हैं वहाँ पे। हाँ मिलेगा ना। बहुत अनप्रेडिक्टेबल टेरेन है, बहुत मतलब आपको ना हर चीज प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज पता चला कि यहाँ पे अगर किसी एक गाड़ी का भी डीजल खत्म हो गया ना तो हम सब स्टक हो जाएंगे। तो धीरे धीरे सही जा रहे हैं ना। इतने एक तो गांव के रास्ते ना, डीजल वही तो कह रहे हैं ना कि वो कह रहे उसमें मिक्स वाला डीजल आता है, इंजेक्टर बैठ जाएगा। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि डीजल हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है। हम फिलहाल है मिराक विलेज में, और आगे ये रास्ता जाता है चुसुल को, रास्ता ऐसा ही रहेगा और पैंगोंग के पैरेलल चलेंगे। तो यहाँ पे लोकल से भी पूछ रहे हैं कि भैया कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, तो उन वो भी कह रहे हैं BS6। हाँ अगर डीजल मिल गया तो आ गए, नहीं तो वापस मनाली उस लेह, और लेह से हम कहेंगे उपसे स्टे करेंगे, उपसे जिस चीज को चाहिएगा वो अपना एक 20-20 लीटर की कैन तो मिल जाएगी लेके। हाँ हाँ हाँ। वो कैन लेके और अपना पैक करवा के भर लेगा उसमें अंदर, और वहीं से सोमरीरी, वहाँ से सोमरीरी हाल और हाल रुक के वहाँ से वापस सीधा फिर सोमरीरी और सोमरीरी से मनाली। ठीक है, अपने को तो चाहिएगा नहीं, आपको चाहिएगा डीजल। देखो आपको चाहिए ना, आधे ग्लास में चेक करके देख लेना। अरे डीजल कैसे हम चेक कर, हम ये चीज तो है भाई कि यहाँ पे आपके पास ना एक टैंकर मतलब एक जेरी कैन तो होना ही चाहिए यार, और जेरी कैन से देख के ना फिर आप निकालोगे अपना डीजल, मतलब अपना नहीं जेरी कैन से भरोगे डीजल। चलो खींचो खींचो आप खींचो, चलो खींचने दो। शर्तुबु होमस्टे मिराक मिराक। हाँ भाई मैं यहाँ पे मूत्र विसर्जन के लिए रुका, सारी गाड़ी आगे चली गई। आपको भी करना है? नहीं करना है, चलो। सारी गाड़ियां बहुत आगे चली गई हैं। कितने सारे रास्ते हैं ना, मतलब वहां से भी टायर के निशान, यहां से भी टायर के निशान, तो एक टायर के निशान पकड़ लिया। अब हमारी गाड़ी कहाँ, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही ना, सब गायब ना। हाँ धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड हम भी बढ़ाते हैं। कुछ सालों में ना यहाँ भी रोड बनी जाएगा, देखो काफी काफी ताबड़ तोड़ तरीके से ना यहाँ पे पोल्स वोल्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले पोल्स है ताकि मान मिराक विलेज और बाकी जगह पे भी ना इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। बाकी हम सारी गाड़ियों से ना बहुत पीछे चल रहे हैं, बिकॉज ये इतना धूल उड़ा रही है ना ये सारी गाड़ियाँ। मैंने कहा शीशा खोल के चलना है भाई, AC चलाना नहीं है, क्योंकि अपने को एवरेज भी निकालना है गाड़ी का,
तो ठीक ठाक सा स्पीड मेंटेन करके उनके पीछे ही रहो। जब वो आगे निकल जाए फिर कहीं एक जगह हम गाड़ी रोक के स्टॉप कर लेते हैं, एक दो फोटो खींच लेते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। यही कर रहे हैं, सही है ना? यही तरीका सबसे बढ़िया भाई, यही तरीका। सही सही तरीके आप देखो पानी का कलर यहाँ पे और आगे देख रहे हो, अलग है भाई, दोनों में अलग है। पानी का कलर देख रहे हो, गजब ही सुंदर है ना भाई। ऐसा लग रहा है रेगिस्तान के ऊपर गाड़ी चल रही है। रेगिस्तानी है सर, दिस इज कोल्ड डेजर्ट, गजब ही फील। अरे तो समझ ही नहीं पाया। अरे आगे वाटर क्रॉसिंग है, वाटर क्रॉसिंग। हाँ अपने उतारे ना, लास्ट टाइम उतारे। मैं गाड़ी चला देता हूँ, आप जाके बना लेना। नहीं नहीं एसी से बनाएंगे अपन, एसी से। वो भाई तो डूबी गई। नहीं नहीं निकल गई वो, देखो ओ ओ गई पूरी। फ्रंट व्हील ड्राइव है ना ये, मजेदार मजेदार। भाई मैं पूरे पूरे रास्ते ना एक्सीलेटर पे पैर हटा के आया, इतना मस्त था। अटेंशन प्लीज, व्हीकल टायर प्रेशर इज लो।